फार्मर जर्नलिस्ट, और अभी हम अरहर की सह फसली दिखाएंगे आपको मक्के के साथ। वहाँ पर चलो। हाँ, अब देखिए यहाँ पर किसान मेहनत करता है, लेकिन लीलगा की वजह से इनकी जो है ये अरहर काफ़ी नुकसान कर दिया। देखिए बैरिकेटिंग देख सकते हैं आप, इधर देखिए, फिर भी हिम्मत नहीं हारा इन्होंने, तार से बैरिकेटिंग किया हुआ है ये देख सकते हैं। उसके बाद ये देखो, ये पन्नी से घेरा हुआ है अरहर, ये बाहर अरहर है। अब इसका ये जो है मक्के की निकाई हो जाए, मक्का जब निकल जाएगा तो अरहर हो जाएगा खाली। ये देखिए। हाँ बताएं क्या रहा, ये इसकी बुआई कब किए थे आप? वही 15 जुलाई के। अच्छा 15 जुलाई को किए। हाँ हाँ, चलो बहरहाल 15 जुलाई को उन्होंने किया था मक्का जो है। तो इसमें आपको जो है मतलब ये मक्का की खेती अच्छी लगी कि ये मतलब सही खेती? कैसे आपको पता चला कि हमको ये दोनों मिला के सही खेती करें अरहर के साथ मक्का? मतलब कैसे समझ में आया, किसी ने कहीं देखे थे? नहीं, अनुभव से हमें जो ना है ना, पहले जो ना है वो बोया जाता था लेहरा। हाँ हाँ, तो लेहरे से पहले कट जाएगा। मतलब कि आप लोग समझे ज्वार। हाँ चलिए, हाँ बताएं। तो इससे जो ना है, हमने कहा कि जो ना है अगर एक बो देंगे तो 70 दिन में हो जाएगा। हाँ बहुत बहुत बढ़िया। तो 70 दिन में जो तैयार हो गया, 70 दिन में तैयार हो गया, अभी कट जाएगा 10 रोज में। हाँ 10 दिन में कट जाएगा। तो इसका ये तो आपके वो जानवर खा लेंगे? हाँ, इसको और भुट्टा जो बच्चे खा लेंगे। हाँ, बाजार में बिक जाएगा। हाँ अच्छा, तो आपको ये अंदाजा है कि अच्छा खाद आप कौन से इस्तेमाल करते हैं? खाद ये है का नाम की देसी खाद, गोबर की। अच्छा अच्छा, DAP। अच्छा DAP भी। हाँ तो चलो ठीक है, DAP तो बढ़िया है, DAP भी। पर ठीक है, नेचुरल बात यह है कि जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं वही बता रहे हैं आप लोगों को। तो यह इनके मक्का की खेती बहुत ही बढ़िया। अभी और एक वीडियो दिखाएंगे आपको। वो बहरहाल अरहर जो है हमारे यहाँ, अरहर नीलगाय की वजह से, जो कि अरहर हमारे यहाँ बहुत होती थी, लेकिन नीलगायों के प्रकोप की वजह से कि अरहर नहीं हो पा रही, 200 रुपये किलो तक दाल बिक जाती, इसीलिए इतने बेचारे। 160 रुपये किलो दाल लाता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल लाते होंगे। तो अब जो है कम से कम अगर नहीं बेचेंगे तो कम से कम ये खाएंगे, रिश्तेदार खाएंगे, खूब बैरिकेटिंग किया। उसके बाद भी ये देखिए यहाँ पे नीलगाय ने खा लिया है सब। ये देखिए ये कट गया, यहाँ से ये कट हो गया, ये कट गया सब, नीलगाय का प्रकोप है। बहरहाल हिम्मत नहीं हारे बेचारे, ये अपना कर रहे हैं सही खेती अरहर के साथ। अगर किसान करे मक्के की तो डबल फायदा मिल सकता है, मेहनत देख रेख करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।